वेलकम टू द शो क्रेव हर्मिट पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है पैसिफिक यूनिवर्सल बिगिन वैभव, मोनिका, दीपशिका। वैभव, आप अपने बारे में कुछ बताएं और आप लोग भी। सो बेसिकली छोटा सा करेक्शन मैं करवाना चाहूंगा, इट्स नॉट पैसिफिक यूनिवर्सल, इट्स यूनिवर्सल पैसिफिक। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा नाम जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा वेस्टर्नाइज्ड नेम है। सो यूनिवर्सल पैसिफिक 2.0 इज आर इवेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम दी फाउंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमारा दूसरा सीजन है, हमारा दूसरा साल है। हमने 10th of July 2018 से अपना सफ़र स्टार्ट किया था एंड नाउ टुडे इज 20th of August 2019। सो प्राउड, 1 ईयर हमारा हो गया है। फॉर्चुनेटली हम लोग स्टिल सेम बिजनेस में हैं एंड हम लोग वी हैव सर्वाइव्ड सो मच। सो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि हमारे कोर कमिटी मेंबर्स कुछ बोले अपने बारे में। सो दिस इज मोनिका, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। बेसिकली सर ने बता ही दिया कि हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन को एक साल हो गया है एंड इस संडे को ही हमारा एक इंटर स्कूल स्टेट चैम्पियनशिप है जिसके लिए हम लोग अभी से बहुत एक्साइटेड हैं। सो इतनी मंथ की मेहनत वो सारी फाइनली 25th of August को कंप्लीट होने वाली है। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दीपशिखा। दिस इज दीपशिखा, द हेड ऑफ डेलीगेट अफेयर। और सही बातें फाउंडर सर ने और मैम ने, दोनों ने सारी बातें बोल दी है। तो एक्साइटेड है अभी 25th के लिए, सारा प्रिपरेशन उधर ही जा रहा है अभी। मतलब है कि हम लोग को बैठने का टाइम नहीं है, लेकिन या इसमें ही करना है। तो आप लोग ने स्टार्ट कैसे किया, लाइक आप लोग एक दूसरे को कब से जानते थे? बेसिकली ये यूनिवर्सल पैसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने से पहले ये बताना चाहूँगी कि हम लोग सारे कैरेनाइट्स हैं। वैभव सर के दिमाग में खुरापाती आइडियाज़ आते रहते हैं यूजुअली। 2018 में इनके दिमाग में ऐसा कुछ आया था दैट मुझे अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी है, ऐसा कुछ करना है। एंड ही केम विद द आइडिया दैट वी विल डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। सो टाइम लगा प्लानिंग प्लॉटिंग में एंड उसके बाद वी फोर फ्रेंड्स, वैभव, मोनिका, दीपशिखा एंड वन ऑफ आर मोर कोर कमिटी मेंबर अंशु, हम लोग चारों बेसिकली पहले हम तीनों ने स्टार्ट करा था, अंशु ने बीच में ज्वाइन करा। सो वैसे ये स्टार्ट हुआ हम लोग सारे फ्रेंड्स। सर का यही कहना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बाद में है, मेरी फ्रेंडशिप आप लोगों से पहले है। सो ये एक फ्रेंड्स का ग्रुप है जो साथ मिलकर हम लोग इतना एक्चुअली हम लोग का यूनिवर्सल पैसिफिक फैमिली है। अभी ये फैमिली हम लोग वो फैमिली बोल रहे हैं, हमारे सारे दोस्त ने जुड़ के उसको किया है। तो वैभव, आपके माइंड में मींस कहाँ से कैसे आया कि मैं इस टाइप का काम करूँगा, इस टाइप का इवेंट? दिमाग में कब आया? लोग तो पटना में नॉर्मली, कहीं भी इंडिया में नॉर्मली ये होता है कि मैं तो क्रिकेटर और हीरो और ऐसा बनूंगा। थोड़ा आजकल के अलग फील्ड में जाना लोग कम सोचते हैं। सो आपके माइंड में ऐसा क्या आया? आपने क्रिकेटर, आपने हीरो की बात बोली। एक्चुअली हर स्पेसिफिक फील्ड में मेरा एक आइकन है, मुझे मन करता है कि मैं वही बन जाऊँ। ठीक है, मतलब हर दिन शौक चेंज होता है। आज मन करता है आज ये बन जाता हूँ, कल मन करता है कल वो बन जाता हूँ। कोई मूवी देखता रहता हूँ तो बस इमेजिन करता रहता यार मैं होता। एब्सोल्युटली। तो ऐसा यही था 2016 में जब मैंने 12th किया, तो उसके बाद काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिले मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए एज अ डिबेटर, एज एन ओरेटर। People used to say that I was good at my communication skills, and yeah, I was good at my communication skills. All thanks to my education, all thanks to my family background. मेरी माँ ने मुझ पर काफ़ी मेहनत की थी। Specifically वो spelling लिखवाते समय अगर कोई mistake हुआ तो डंटा से मारना finger पे, या फिर अभी हम लोग को मारती थी तो हम लोग उठ के भाग जाते थे कि नहीं हम लोग को नहीं पढ़ना रहने दो। मैं तो मुझे याद है, मैं इतनी शैतान थी कि मेरा घर वो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर वाला था, तो मैं हमेशा देखती थी कि मम्मी जब गुस्से में है तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहूं, कि मैं ऐसे मम्मी को एकदम वो कर देती थी, प्रोवोक कर देती थी, और मम्मी जैसे ही नीचे आके मुझे मारने लगती थी मैं रोड पे निकल जाती थी। अच्छा, ऐसा मींस यहां पे सबसे ज्यादा टीचर से मार खाने वाला कौन है? मैंने तो बहुत ज्यादा मार खाया। आई वाज द मोस्ट सिंसियर एंड डीसेंट एंड आई वाज लाइक वन ऑफ दोस स्टूडेंट की बदमाशी करने के लिए रेडार में टीचर भी हमेशा रहता था, बट पढ़ाई से मैनेज कर देता था। मैंने डांट खाया है, मिसाइल होता है कि ये पढ़ाई वाला चीज़ है ना। मैंने डांट खाया है, मार नहीं खाया।
मैंने डांट खाया. ये पढ़ाई वाला एक मिसाइल होता ना कि कुछ भी करने मेरा बेटा पढ़ रहा है तो उसका टेंशन नहीं रहता है. एक्चुअली आप पूरे साल बदमाशी करो बट वो रिजल्ट आने के बाद वो हो जाता है अच्छे बदमाश है लेकिन पढ़ाई तो करता है. माय मदर वाज लाइक कि मतलब अगर खराब राइटिंग होता था तो वो इरेजर से सारा चीज मिटा देती थी और बोलती थी फिर से लिखो. जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होगी कि उसको अच्छा लग रहा है राइटिंग देखने में या स्पेलिंग देखने में. She was very particular about it. Till fourth standard, she was like, कि पढ़ाई हम ही देख रहे हैं. Then my father came, उनका transfer हो गया था. फिर वो आए, फिर उन्होंने मुझे फिर ढिलाई मिल गई पढ़ाई में थोड़ी. So I was a type of topper बचपन से. तो एक ego वाली बात आ जाती थी अंदर में, अजीब सा. मतलब जब मैं पढ़ाई में मुझे अगर अच्छे marks नहीं मिलते थे या teacher कोई डांट देता था मुझे पढ़ाई के लिए, मुझे अजीब लगता था. वो एक होता है ना वैल्यू इंस्टिल किया गया मतलब बचपन से ही कि यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव. तो अगर मेरे से ज्यादा कोई मार्क्स ले आता था तो आई वाज लाइक नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मेरे को ही करना है ना, मेरे को ही करना है. तो इट वाज लाइक दैट. सो यही था कि मुझे काफी ज्यादा मौके मिले कॉलेज लाइफ में, मैंने पार्टिसिपेट किया. एंड एक ऐसा इवेंट था मतलब जो काफी ग्रैंड लेवल पे हुआ था ज्ञान भवन में, पाटलिपुत्र राष्ट्रीय युवा संघ. सो इट इंस्पायर्ड मी बेसिकली कि कुछ ऐसा करना है यार, कुछ इस तरीके का अपना करना है. एंड टेंथ स्टैंडर्ड में जब मैं सेंट कैरन सेकेंडरी स्कूल से निकल रहा था तो मैंने अपना वहां पे पहला बैंड फॉर्म किया था. वो कल्चर नहीं था उस टाइम स्कूल में बैंड फॉर्म करने का. सो मेरा एक म्यूजिकल बैंड था जिसका वो अलग पता नहीं स्टोरी है, मुझे उतने अच्छे से याद भी नहीं है. मैं तो पीटी पे आप गाना या समथिंग कुछ करते हो? यस एब्सोल्युटली, आई एम अ मास्टर्स इन वोकल एंड आई एम अ मास्टर्स इन तबला. तब तो गाना सुनना पड़ेगा, अब तो गाना सुनना पड़ेगा. जी ऑफ कोर्स, ही इज अ वेरी गुड सिंगर. सो वो एक अलग ये सब बातें बाद में आगे बढ़ाएंगे, पहले हम गाने पे पहुंच जाते हैं. इतनी अच्छी बात, मेरे को पता नहीं था कि आप गाना भी गाते हो. सो अब गाना, अपने फेवरेट सिंगर का कौन है? मी सिंग दैट सॉन्ग व्हिच आई लाइक द मोस्ट. ओके, सो यू आर टॉकिंग अबाउट मेरे महबूब, राइट? वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड सॉन्ग है, उससे लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं. ये भी ये मैम भी संभल के थोड़ा मैम भी उसी से इंप्रेस हुई थी. तो ऐसा पता चला कि शूट के बाद जा रहे हैं तो फिर वहां पे धम धम हो रहा है कि बहुत कम. सो इट वाज लाइक मैंने फर्स्ट टाइम इनके सामने मेरे महबूब तब गाया था जब प्रिंसिपल मैम ने मुझे बोला था कि ये गाना गाना. हां, अंताक्षरी के टाइम. अंताक्षरी जो होता है ना, अंदर से फीलिंग्स निकालने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है अपने क्रश के साथ. तो इट वाज लाइक दैट. मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी. तेरी नजरें जो गिला करती हैं मेरे दिल को भी, सनम तुझ से शिकायत होगी. मेरे महबूब तेरी गली में जाता, सनम नगमा वफा का लाता, सनम तुझ से रहा ना जाता, सनम फिर आज इधर आया हूँ मगर ये लेके मैं दीवाना. खत्म बस आज ये दहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी. That's all. Give a big hand. तो आप अपने इवेंट पे खुद ही गा के पैसे बचा लेते होंगे, इतने अच्छे सिंगर हैं आपके पास. या इट हैज बीन फरमाइश होती थी जब इंट्रा लेवल पिछले बार मैंने करवाया था तो आई यूज्ड टू टेल एवरीवन कि मैं भी गाता हूँ. तो बच्चों का आप तो जानते ही हैं कि अच्छा वन सॉन्ग. तो एक बार जब वो गाना सुन रहे थे तो फिर नहीं हम आपका, तो एक वो मुझे मोटिवेशन देना पड़ता था कि आप कर लो, लास्ट में मेरा परफॉर्मेंस होगा. तो मैं सोच रहा था कि निकल जाऊंगा, लेकिन बच्चे होते हैं. और उसके बाद हम लोग भी थे तो सर,
तो ये लोग याद दिलाने में पहुंच जाते हैं कि सर का परफॉर्मेंस आपने बोला होगा हां तो मिला मौका जड़ दिया चौका नहीं एक्चुअली ऐसी बात नहीं है हम लोग काम में इतने बिजी रहते थे कि एवरी टाइम वी मिस हिज परफॉर्मेंस हम लोग को मौका नहीं मिलता था इसका परफॉर्मेंस दूसरे कमरे में हम रहते थे वो परफॉर्मेंस कर लेते थे बच्चे परफॉर्मेंस देख लेते थे और फिर हमें बाद में पता चलता था कि वैभव ने परफॉर्म कर लिया तो वैभव आपके साथ तो हमेशा है बच्चे तो हमेशा वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप मतलब स्टार्टिंग में आई वाज मेरे को ना वो जो लोग गिटार प्ले करते हैं ना खास करके जो गाना गाते हैं एंड दैट गिटार प्ले करने वाले बंदे वो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है मेरे दिल में उन लोगों के लिए मतलब लड़कियों को देखते ज्यादा इंप्रेस होते हैं अब पहले लोगों को पता चल गया कि मोनिका मैम को इंप्रेस कैसे करना है गिटार और आवाज से लेकिन अब देखते हैं डीएसएलआर से नहीं एक्चुअली चेंज हो रहा है पहले की बंदी लोग जो थी ना मेरा वैसा है मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वैसे बंदे जो मतलब गिटार प्ले करे एंड बहुत अच्छे सिंगर तो He is a very good singer. So, पहले बहुत गाना गाता था मतलब गिटार ना होता था फिर भी क्लास में गाना गाता रहता था एंड अब तो मैं बस ऐसे बोल दू ना कि बाबू कभी गाना सुना दो तो बस हो गया अभी गला ठीक नहीं है जो मेहनत करते हम लोग पहले करते बाद में क्या फिर शादी के बाद देखा है कभी किसी को मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड भी ये देख रही होगी और ये वाला पार्ट कट कर देना ठीक है नहीं ये वाला नहीं जाना चाहिए ये वाला तो पक्का जाएगा मेरा अगला वाला होगा नहीं वही मैं कह रही हूं पता चला आपको आपका एंकर चेंज करना पड़ा ये वाला फेस नहीं दिखेगा फिर सो आप लोग भी गाना गाते हो She was a very good singer. वो गाना बहुत was वाली बात नहीं है एक्चुअली मैम never explored that side of her matlab pata na wo solo ki taraf kabhi nahi gayi she was also a group person always a group person matlab musical band ho raha hai she was very active participant in that wo hamesha usme part thi and I was sabse aage khade hokar gaati thi lekin ab wo group mein jata tha group mein and I was like ki humko group mein song karna nahi pasand and the thing is maine bhi fourth year tak harmonium seekha jo uske pata hai sabko pata hai to main use ab uske baad fir practice shuru kiya kyunki maine fourth standard mein hi fourth year complete kiya tha it was one of those time ki jab hum log secondary mein the 10th ke time and mujhe man nahi kar raha tha computer lab mein jane ka to maine bunk maar diya apne friend ke sath baitha hua tha aise topper bunk bhi maarte hain dekh lo topper wo koi aisi baat nahi hai maine us time bhi ye baat udhar batayi thi ki there are two kinds of students one is like wo पूरे टॉपर होते हैं स्टूडियस होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई में यकीन रखते हैं चश्मा लगाने वाले बच्चे होते हैं जिन्हें मतलब किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है एंड देर आर अनदर स्टूडेंट जो बैक बेंचर होते हैं ऑलराउंडर होते हैं सारे काम करेंगे पढ़ाई को छोड़ के ही इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ देम अच्छा ऐसा कभी फील होता है कि आजकल बैक बेंचर पे बहुत ज्यादा मेमोरीज आते हैं तो यहाँ पे कौन बैक बेंचर रहा है ये दोनों बदमाश होंगे बट आई वॉज दी मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट मैं हमेशा फर्स्ट बेंचर रही हूँ 11th स्टैंडर्ड में हमारे स्कूल में रोटेशन 11th स्टैंडर्ड में जब हम लोग साथ में एक क्लास में थे तो जो फर्स्ट बेंचर्स थे फर्स्ट बेंच पे कोई बैठना नहीं चाहता था बिकॉज पंखे की हवा नहीं आती थी और 11D वॉज दी मोस्ट हॉटेस्ट क्लासरूम बहुत गर्मी रहती थी उसका सही है ऐसा सही है सब कैरेंस वाले यहां भी कुछ चेंज हुआ हॉटेस्ट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग हां बिकॉज़ बाबू भी नहीं दोस्त है ना ही वाज द मोस्ट ये क्लास में घुसते ही इसने दो तीन लोगों से जमकर लड़ाई कर ली एंड आई वाज दैट पर्सन ना मैं बोलती थी ये इतना बदतमीज बदमाश लड़का है मेरी एक दिन इससे जरूर लड़ाई होगी मेरी इससे कभी नहीं पटने वाली है बहुत बदमाश लड़का है हमारी दोस्ती आप कहो तो आई थिंक 12th के बीच में अच्छी हुई थी 11th तो पूरा निकल गया किस क्लास से जान लो एक दूसरे को 11 पूरा निकल गया नाम जानने में सब तो ऐसा कभी सोचा था कि लाइक फ्यूचर में ऐसा हम लोग साथ में रहेंगे मैंने सोचा था कि वो हमको लाइफ टाइम खाना खिलाएगी ठीक है मतलब वो हमको हमेशा अपना लंच खिलाएगी एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स बनने में सबसे बड़ा हाथ मेरी मम्मी का है क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है और वो जानती थी कि मेरी बेटी को नहीं मिलेगा खाना एक्चुअली मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था उसका खाना टेस्टी था इसलिए हम नहीं खाते थे उसको चिढ़ बढ़ता था इसलिए तो जब भी लंच लेके बैठती थी अब जब हम लंच देखते थे कि वो शांत क्यों है वो ऐसे कैसे ऐसे क्यों हो रहा है कुछ गलत हो रहा है वो होने नहीं देना है एक्चुअली हम लोग का फर्स्ट इंप्रेशन सबके लिए थोड़ा अलग था उसके तो था कि ये लड़का क्या है जब देखो सबसे लड़ते ही रहता है दिमाग नहीं है एंड मेरे पीपल से दैट आई एम अ पीपल्स पर्सन मतलब दोस्त
दोस्ती यारी मेरे लिए बहुत मैटर करती है. इट्स लाइक अनदर थिंग फॉर मी. मी एंड बाबा वाज अ कोइंसिडेंस. वी वो दीपशिखा उम्मीद नहीं हो वहां भी लगा रखना दोस्तों. नो नो इट वाज नॉट लाइक दैट. मेरे दिमाग में इसके लिए एक इमेज बन गया था दैट ही इज अ वेरी रूड एंड वेरी बदतमीज पर्सन. तो मेरी इससे लड़ाई होनी एंड मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था. इवन मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं थी. एंड दीपशिखा वॉज देयर जिससे हमारी दीपशिखा वॉज वेरी अनलकी. क्लास में जब भी लड़ाइयाँ होती थी या कुछ भी नया होता था, किसी की गर्लफ्रेंड चेंज हो गई, किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, किसी की लड़ाइयाँ हो गई, दीपशिखा हमेशा एब्सेंट रहती. बहुत अच्छा रहता था. हम जब आते थे वो पता था कि अच्छा ये हो चुका है. एंड सेकेंडरी वाज वन स्कूल जहाँ पे आई वाज सी थ्री फेजेस माय लाइफ वाज फॉर मी. फोर्थ स्टैंडर्ड तक academically I was very popular, very very popular, co-curricular activities and academically. बदमाशी के लिए तो सब बच्चे होते हैं. तो बदमाश है. कुछ ऐसा advice दे दो जो सम कैरेंस के भी बच्चे होंगे वो देख के सोचो. सम कैरेंस के students advice लेने में बिलीव नहीं करते हैं. उन्हें advice चाहिए ही नहीं. In fact वो बाबा बनते हैं. So I was one of those students. I know वो बाबा बनते हैं. उनका एक phase होता है, ठीक है. तो जब fourth standard के बाद मैं secondary में आया तो it was another thing. मतलब मुंह पे गाली. इतने किस्से हैं. इवन व्हेन दे मीट माय सम ऑफ माय ओल्ड फ्रेंड्स फ्रॉम सेकेंडरी दे आर लाइक कि इनको बताते हैं ये अभी शांत हो गया है, इसका हाथ पहले चलता है. It was like that. So 11th, 12th में जब मैं आया तो मैं famous होके आया था वहाँ से कि एक आया है बाबा, ठीक है, वो मुफ्त है एक नंबर का और बहुत गाली बकता है और मार पिटाई में रहता है खाली. तो जब मैंने फर्स्ट टाइम लड़ाई की थी तो सीमा मैम ने भी आके यही बोला था, क्योंकि मेरे मुंह से निकला था बहुत अच्छे से कि शट द बीप अप. रेस्ट यू कैन अंडरस्टैंड. रेस्ट तुम गाली भी दे सकते हो, बाकी हम लोग बीप कर देंगे. तो इट वॉज लाइक दैट. जब बीप बीप होना ही है तो शट द फक अप मैंने बोला था. एंड काफी बहुत मतलब मेरी गलती भी नहीं थी. एंड वो भी एक लड़की. तो इट वॉज नॉट अ बिग डील फॉर मी. एंड उस लड़की ने फालतू में बिग डील बना दिया था. बाद में उससे मेकअप भी हो गया था सब चीज. एंड शी इज अ डियर फ्रेंड. मेकअप पे क्यों हुआ था? बिकॉज उसे अपने बॉयफ्रेंड को जेलस कराना था, इसीलिए मेकअप हुआ था. आई डोंट नो. मतलब ऐसा. हाँ ऑब्वियसली मैम ने बताया था. तो इट वॉज समथिंग लाइक दैट. कैरेंस. सो हम लोग थे वहाँ पे. आई थिंक बंक मारा था मैंने. तो ऐसे ही काफ़ी बार बंक मार चुका था. उस टाइम भी बंक ही मारा था. बैठे हुए थे पैर चढ़ा के. म्यूजिकल बैंड तो फॉर्म हो गया था लेकिन अजीब सा खटकता था वहाँ पे. जब प्रिंसिपल सर से हम लोग परमिशन लेने जाते थे तो वैभव एंड ग्रुप इज ओके. अच्छा लगता है सुनने में. बट बैंड की आइडेंटिटी भी मायने रखती है. मेरे नाम से बैंड की आइडेंटिटी नहीं मायने रख सकती है. बैंड का नाम होना चाहिए. तो कुछ सोच के नहीं रखा गया था. दो दोस्त थे, मस्ती कर रहे थे. मैंने बोला यूनिवर्सल टाइप का कुछ नाम होना चाहिए. तो बोलते भाई यूनिवर्सल बड़ा अच्छा नाम. बोले चलो यूनिवर्सल रख देते हैं, अब इसका टाइटल रखना है. तो फिर बोलते भाई पैसिफिक ओशन में जो डीपनेस है ना वो कहीं नहीं है. बोले ठीक है तो पैसिफिक रख देते हैं. तो इट वाज लाइक दैट. नथिंग फैंसी. इसका कोई मतलब नहीं था. यूनिवर्सल पैसिफिक ऐसे ही स्टार्ट हो गया. तो ये जो बैंड फॉर्म हुआ इसकी कहानी तो इन्होंने बता दी. और जब ये हमारा इवेंट वापस स्टार्ट होने वाला था, मतलब एवरीथिंग वाज प्लान्ड एंड प्लॉटेड. पहला इवेंट जो हुआ था वो कहां और कैसे हुआ था, कैसे सब चीज प्लान, क्योंकि फर्स्ट इवेंट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है. सो डिफिकल्टीज की अगर बात करें तो हम लोगों ने भी बहुत डिफिकल्टीज फेस की है इस इवेंट को स्टार्ट करने के लिए. बेसिकली जब सर के दिमाग में ये सारी बातें आई कि ऐसा कुछ करना है तो बच्चे क्या अभी भी हैं, बट एक होता है ना अंदर से एक्साइटमेंट एकदम नहीं करना है नहीं कुछ अच्छा है. हाँ जोश बहुत ज़्यादा था. तो वी मेट वन कंपनी एडोडोर. वो कंपनी के साथ हमारा टाई अप हुआ. स्टार्टिंग में ऐसा था कि वो हमें पैसे के साथ, मतलब वो सारा पैसा उनका लगेगा, कैपिटल उनका लगेगा और काम सब कुछ हमें करके देना है. स्टार्टिंग में भी वो नॉट अवेयर कि उनके दिमाग में क्या खुराफात चीज़ें चल रही हैं हमको लेके. सो वी वर लाइक कि पागलों की तरह उन्होंने हमें दोहराया. फर्स्ट डे का फर्स्ट एक्सपीरियंस बताते हैं. हम लोग जगनपुर एरिया गए. जगनपुर एरिया में ओपन माइंड्स बिरला स्कूल, वो जगनपुर एरिया ही बहुत ज़्यादा दूर है एंड उसके अंदर ओपन माइंड्स बिरला और ज़्यादा
दूर है. वो स्कूल करने के बाद हम लोग सीधे त्रिभुवन स्कूल गए, ईरघाट से पीरघाट. एंड समर का मौसम, द सीजन वॉज सो हॉट. सो इसी तरीके से वो हमारा शेड्यूल करते थे, मीटिंग इधर भेज देना, उधर भेज देना, कहीं पे भी भेज देना, किसी भी वक्त भेज देना. एंड वी वो ऑल्सो डम्प कि हम लोग स्कूल में जाते थे, हम लोग अपनी सारी प्लानिंग, सारी बातें अच्छे से समझाते थे, बट बस हो गया. मतलब जैसे मैंने आपसे बात करी कि ओके वी आर कमिंग फॉर इंटरव्यू टुमारो एंड दैट्स इट, नथिंग लाइक दैट कि नहीं ये इवेंट होने वाला और समथिंग. उन्होंने हमें दोहराया दोहराया दोहराया. लेटर ऑन बातें हमें धीरे धीरे पता चलने लगी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लाइक उन्हें हमें कैसे उल्लू बनाना है, वो सारी चीज़ें हमें पता चल गई. लाइक वी वो डूइंग आर 110% एंड बदले में बैठे बैठे कुर्सी पे उन्हें सब कुछ चाहिए था. लेटर ऑन वी रियलाइज कि उन्हें एडूडोर के नाम से ये इवेंट कराना है, यूनिवर्सल पैसिफिक के नाम से नहीं कराना है. अब तक हम लोग जितने स्कूल्स में जाके बात करा है, हमने जितने स्कूल्स में, वो सारे स्कूल्स का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज हमें वापस विजिट करना है, कुछ भी नहीं हुआ. सो एक टाइम आया जब चीज़ें बहुत बिगड़ने लगी उनके साथ और हमारी एक महीने की मेहनत, गर्मी में इधर भागना उधर भागना, खाना क्या होता है, वी डिडंट नो. देन व्हाट्सएप पे बात हो रही थी एंड आई टुक अ डिसीजन कि अगर ऐसा ही चलते रहा तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है आपके साथ एसोसिएट करने का. तो वी डोंट वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड विथ यू. यूनिवर्सल पैसिफिक इज अ ब्रांड इन इट्स ओन, ठीक है, इट वॉजंट अ ब्रांड एट दैट टाइम, बट आई टुक अ डिसीजन टू मेक इट अ ब्रांड एट दैट पर्टिकुलर टाइम. समटाइम्स सम डिसीजन, समटाइम्स कभी कभी कुछ हार्श डिसीजन लेना पड़ता है. दैट टाइम वी एवरी वन वॉज टेलिंग वैपअप दैट डोंट डू दिस बिकॉज शायद अभी हम लोग कुछ भी नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा कुछ भी उस टाइप का, बट ही वॉज लाइक कि अब मुझे करना है. मेरे दिमाग में ये बात, मेरे एक फ्रेंड थे जो पिछले बार कोर कमेटी मेंबर थे, इस बार हमारे साथ नहीं है, ही इज़ क्वाइट बिजी इन हिज ओन वेंचर. सो उस टाइम उनका पोस्ट था एडवाइजर अंशु एंड ही वॉज प्रिटी गुड इन हिज जॉब. सो उन्होंने बस एक होता है ना कि चिंगारी लगाई तो बस मेरे दिमाग में बैठ गया, हमसे नहीं हो पाएगा इसके साथ. तो आई थॉट अब नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा. सो उन्होंने एक स्कूल हमें भेजा था, प्रेसिडेंसी ग्लोबल स्कूल, ठीक है, उन्होंने एक स्कूल हमें भेजा था प्रेसिडेंसी ग्लोबल स्कूल. तो प्रेसिडेंसी ग्लोबल स्कूल, एक्चुअली यू डिडंट टेल द होल स्टोरी, वी वर टेलिंग कि डोंट डू दिस वैपअप बिकॉज़ हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे. हमें लग रहा था कि क्योंकि हमारे हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं था अपनी तरफ से, तो देखा कि वो उधर से आ रहा है तो हम एक सिक्योर थे कि वो हो जाएगा. वो भी बात नहीं थी, बेसिकली बात ये थी कि एडिडोर जो कंपनी थी ना वो स्कूल से लिंक, उनका लिंक होता था, तो हमें टीचर्स देती थी. हमें डर इस बात का लग रहा था कि स्कूल्स में वो कुछ बोल ना दे ऐसे कैसे करके, तो वैपअप ने डिसाइड कर लिया. तो उसके बाद वी वर ठीक है, अब जो बोल दिया अब हम लोग करके, हमने ईगो पे ले लिया, अब हम करके दिखाएंगे. एक्चुअली वो सो दैट टाइम आल्सो, लेकिन बहुत सीरियस भी, एक्चुअली मैं सारा इवेंट यही सोच के किया, अरे जो होगा देखा जाएगा, करो. नहीं, सो दैट टाइम आल्सो देयर वाज वन स्कूल, प्रेसिडेंसी ग्लोबल स्कूल व्हिच इज लोकेटेड इन खगोल. तो हम लोगों ने उस स्कूल में अप्रूवल ले लिया था, उन्होंने ही भेजा था हमें स्कूल में, तो हमने उस स्कूल में अप्रूवल ले लिया था कि इवेंट होना है. एंड That principal was so damn excited. He was like, okay, कि मैं आज ही पेपर साइन कर देता हूँ, आप आके इवेंट करा लीजिए, ऐसे करा लीजिए. तो फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग अब प्रेसिडेंसी ग्लोबल स्कूल से ये इवेंट स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं. हम लोग गए वहाँ पे, अप्रूवल लिया एंड 10th of July को हमारा पहला इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन हुआ प्रेसिडेंसी ग्लोबल स्कूल में. उस दिन से हमने ये इवेंट स्टार्ट किया धीरे धीरे करके. वी वो इन अ वेरी हैप्पी स्पेस, हमें स्कूल्स मिलते चले गए. हमारा पहले स्कूल, हमारा जो पहला स्कूल था, वही मैं बता रही हूँ. देयर वर फोर काइंड्स ऑफ इवेंट, बेसिकली देयर इज अ फोर काइंड ऑफ इवेंट एंड कल्चरल इवेंट, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग एंड स्पीकिंग. ये इंट्रा लेवल पे था सारे स्टूडेंट्स के, फ्रॉम क्लास 1 स्टैंडर्ड 12. लेकिन बेसिकली बहुत सारे स्कूल में आप 10th और 12th को बोलो नहीं देते हैं, पूरा बोर्ड्स होता है. एक्चुअली बात ऐसी नहीं थी, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट टाइम था तो लोगों को थोड़ा यकीन करने में दिक्कत. एंड जैसा कि हमने उस टाइम भी बताया, दिस टाइम वी आर इन अ वेरी हैप्पी स्पेस, वी गेट 20 स्कूल्स एंड वहाँ अभी 10-15 स्कूल्स आर इन अ ए प्लस लिस्ट. Rest are B and one is of secret. वो विद्या विहार स्कूल एक बहुत छोटा सा स्कूल है, उस स्कूल को तो हमने अपने से रखा है कि नहीं रखना है. तो हमने 10th of July को ये इवेंट स्टार्ट करा जहाँ पे सिर्फ 150 पार्टिसिपेंट थे. नेक्स्ट स्कूल था हमारा सेंट मेरी स्कूल विच इज लोकेटेड इन AG कॉलोनी. इट्स अ केरेंस ऑफ दैट कॉलोनी. बेसिकली केरेंस क्या है, पूरे पटना में फेमस है, वो दीमक की तरह पूरे पटना में छाया जा रहा है. तो सेंट मेरी स्कूल इज लोकेटेड इन माई कॉलोनी AG कॉलोनी.
वो वहाँ का कैरेंस है, वहाँ के सारे बच्चे वहीं जाते हैं. वहाँ पे नेक्स्ट ही इवेंट में, पहले हमने 150 से स्टार्ट करा, नेक्स्ट इवेंट में 550 बच्चे थे. एंड 550 स्टूडेंट्स थे, ये तो ठीक है. पहले 150-200 के हिसाब से वॉलंटियर्स हमारे पास 10 से 12 थे. एंड उस स्कूल के जब हम अंदर हम लोग घुसते थे तो वहाँ पे नेटवर्क जाम हो जाता था, तो किसी को कुछ खोजना रहता था तो वो कॉल नहीं कर पाता. हमें क्लासेस भी मिलते थे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड देन थर्ड फ्लोर. हां, तो अगर मैं दीपशिखा को खोजने जाता था तो निकलता था, तो मैं था बहुत अच्छे हाई स्पिरिट में, मिल जाएगी. थर्ड फ्लोर पे जाता था, पता चलता था दीपशिखा मैम के नीचे गई है, हर को नहीं मिली. सो वहां नंबर नहीं लग रहा था, कुछ नहीं लग रहा था, इट वाज लाइक दैट. प्लान नहीं किया था, प्लान नहीं किया था. एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, जैसे मैंने बोला कि अभी 150 से 200, 10 से 12 लोग मैनेज कर लेंगे. वॉलंटियर अभी तक 10 से 12 ही था और नेक्स्ट स्कूल 500. मुझे अब ये इवेंट नहीं करना है, मैं ये इवेंट छोड़ रही हूँ. देर आर सम एंगल्स लाइक वी आर फ्रेंड्स एंड ऑल, सो इसका आधा से ज्यादा गुस्सा मेरे ऊपर निकलता है, अगर मेरी गलती हो या ना हो. बट फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम मुझसे कोई गुस्सा नहीं करता है. मेरे से गलती क्या हो गई थी उस इवेंट में कि जितने भी विनर्स थे मैंने मेडल्स आधा लिया था. एक्चुअली ये मेडल्स एंड सर्टिफिकेट का मैस ये डिपार्टमेंट था. तो मैं से मुझे याद आता था इतने विनर्स लेके मैं एक्स्ट्रा लेके चलती हम लोग वो कम ना. हम लोग सारे लोगों का एक एक डिपार्टमेंट था. दीपशिखा मैम वॉज देयर टू हैंडल दी मेडल्स सर्टिफिकेट एवरीथिंग. डेलीगेशन से रिलेटेड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैं वो दीपशिखा देखती थी. तो हुआ क्या कि जस्ट एग्जाम्पल के लिए अगर 12 विनर्स हैं तो मैंने सिर्फ 6 मेडल्स ले रखा था. एंड सब वो मेडल्स ऐसा सोच लिया था कि वो अपने लिए चाहिए या बच्चों के लिए लेने गई. एक्चुअली यार सिर्फ अपने दिमाग से लेके फरार हो जाना है छोटा छोटा. और इवेंट का फेलिसिटेशन चल रहा था, यू वोंट बिलीव, इवेंट का फेलिसिटेशन चल रहा था और मेडल्स खत्म हो गए. उसमें भी ये लोग उसके बाद जो ये दौड़ना स्टार्ट की कैंपस से घर बगल ही में था. ये लकी थी कि घर बगल में. मैं अभी तो काली सी हो गई हूँ, उस टाइम मैं बड़ी प्यारी प्यारी मोटी मोटी सी थी, गोरी गोरी सी थी, क्यूट क्यूट सी, चबी चबी सी थी एकदम. और मैं एकदम धूप में दौड़ के उस वक्त अब उतना प्यार जाता था अब नहीं जाता. ये कोई रीजन नहीं है. आपको ऐसा लगता है, मैं बताती हूँ, ये अभी जो बोल रहे हैं ना, ये अभी मैं 2 मिनट के लिए बाहर गुस्सा दिखा दिया ना मैंने कि एकदम 2 मिनट अच्छे मोनिका शांत है. वो 3 मिनट से अच्छा भाई वो सॉरी ना हो गया ना, वो ये 2 मिनट रहता है इसका. तो मैं एकदम दौड़ के गई, मैं एकदम लाल लाल हो गई थी. ऐसे भी लड़कियां एक्सेप्ट नहीं करती अपनी गलती. तो हम लोग ना कि ये दोनों के बीच में लड़ाई होता है ना, तो स्टार्टिंग में था ना कि यार मान जाओ इसी को मैंने बना दिया. अच्छा ठीक है चलो उसका नेचर. फिर बोली क्यों ऐसे कर रहा. अब होता है ना हम फोन रख ले देख लो दोनों आपस में क्या करना. अब समझ गए कि कुछ मैं एकदम लाल लाल होके पहुंच. एटलीस्ट मेरा घर बगल में था, मैंने मेडल कर दिया. उसके बाद इसका चेहरा मुझे देख के इतने गुस्से में, मुझे लग रहा था अब ये मुझे खा जाएगा, एकदम अब खा जाएगा. उसके बाद फिर जो भी हुआ, फिर दीपशिखा को हमने घर पे बुलाया. उस दिन मैं ऐसे मुझसे अब ये इवेंट नहीं होगा. उसके बाद देख ले दीपशिखा का क्लास हुआ, तीनों ने मिलके ये दोनों तो सही थे, थोड़े बच्चे कम है ये लोग. मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड अंशु, कोर कमिटी मेंबर, हम दोनों का हमेशा ऐसा होता था मैं इवेंट छोड़ रहा हूँ, मैं भी इवेंट छोड़ी. मतलब आई गेस एक साल में, मतलब व्हाट शी इज ट्राइंग टू से इज दैट दिन से ज्यादा आप लोग सोच रहे हो इज दैट हम और दीपशिखा जो थे वो वी वर लाइक मैच्योर पर्संस. ओके ठीक है, वो चार चाइल्ड नो, मतलब वी वर कूल टाइप. मतलब कि अगर नहीं छोड़ना नहीं है, शी वाज लाइक या ये बात सही है. Think before speaking anything, okay? अच्छा basically after 5 days of event what will happen? बेसिकली हुआ क्या था ना, पिछले बार ना हम बताए लास्ट तक गिनने लगे थे ना किसने कितना बार बोला कि हमें इवेंट छोड़ना है. उसमें पता चला कि मेरा और वैभव का एक बार भी नहीं था कि हमें इवेंट छोड़ना है, कितना भी लड़ाई हो जाए. सो इट शोज़ द रिकॉर्ड. नो नो एक्चुअली दैट फ्रेंड ऑफ माइन, नो नो
इसको लेके कि यार चलो कर ऐसा ही कर रहे जैसे अभी बोला ले सकते हो बात नहीं ऐसे एक बात तो पक्का बोलेंगे कि मोनिका मैम जितना सीवन को लेके सीरियस है ना ये बात सच है क्योंकि अपना घर उससे ज्यादा सीरियस बस हम अपना घर देना एक्चुअली हर चीज को रखने के लिए इट्स वेरी बिग थिंग क्योंकि पेरेंट्स जनरली इन्वॉल्व नहीं होते हैं ये कि नहीं आपको नहीं कहा लेकिन इनका घर सही में स्टोर रूम है मैं मानती हूँ ऑफिस है हम लोग का स्टोर रूम था एक्चुअली सब चीज टू बी वेरी फ्रैंक अब ये इवेंट मेरा भी है अब ये इवेंट इसका भी है अब ये इवेंट हमारा है बट स्टार्टिंग में इट वॉज लाइक इट्स माई बॉयफ्रेंड्स ड्रीम आई हैव टू फुलफिल एट एनी कॉस्ट स्टार्टिंग में ऐसा था अब तो ये इवेंट तुम निकलो भाई तुम जाओ इस इवेंट से अब ये इवेंट हमारा है तुमको निकालने का बेसिकली माय हाउस इज अ स्टोर रूम इज अ ऑफिस एवरीथिंग व्हिच हैपेंड वो मेरे घर पे होता था इतने सारे 3000 सर्टिफिकेट्स रखने हैं मुझे जगह बना के अपने घर में रखना होता था अभी भी सारे सामान मेरे घर में पड़े होते तो चूहे नहीं आके कुतरते थे मैं तो ये चीज़ों एक्चुअली हमारा वो जो फ्रेंड था ना अंशु उसे क्या था ना उसे सिर्फ मुझसे चाहिए था कि मैं उसे ऐसे मना के कहूँ कि नहीं नहीं एक दिन क्या हुआ हम लोग ओपन माइंड्स बिरला में सारा ओपन माइंड्स बिरला में हमारे एक इंट्रा स्कूल हो रहा था ठीक है सारा इवेंट अच्छे से हो गया हम दोनों के बीच में बात नहीं हो रही थी मेरे और अंशु के बीच में सारे इवेंट के बाद ही वॉज लाइक मैं अब इवेंट छोड़ रहा हूँ वैभव दीपशिखा एवरीवन वाज अब ऐसा है वैसा है तो मैं उसे बहुत मना रही हूँ आखिरी में कहता है नहीं मैं छोड़ रहा हूँ हम ठीक है मैं भी छोड़ी हूँ इवेंट उसके बाद फिर कहते हैं मोनू साइड में आओ हम मुझे ये लोग प्यार से मोनू बोलते हैं तो मोनू साइड में आओ तो मैं गई बेसिकली हमको बस तुमसे चाहिए था कि तुम हमको मना लो हम इवेंट छोड़ कर आ रहे थे सो वेरी बचकाना काइंड ऑफ थिंग मुझे याद है ये इंट्रा स्कूल तो हो गया फिर बात आई यूथ फेस्ट की इंट्रा स्कूल स्टार्टिंग में हमने बहुत प्रॉब्लम फेस किया बहुत ज्यादा मतलब लोगों को दिखता है वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने होते हैं आई वुड लाइक टू मेंशन वन स्पेसिफिक थिंग दैट उस टाइम में हमारे एक और कोर कमेटी मेंबर थे रितेश भैया एंड ही वाज आल्सो एन एलुमनाई ऑफ माय कॉलेज तो उस टाइम उनसे हमें एक बहुत अच्छा लिंक मिला था एडु वर्ल्ड गाइड का प्रजेश सर हैं उनके फाउंडर एंड डायरेक्टर सो इनिशियली विद 0% इन्वेस्टमेंट जो मैं हमेशा बोलता हूँ जो मैंने इवेंट स्टार्ट किया था तो पहला जो पूंजी थी वो उनसे हमें मिली थी एंड दैट वाज अ कंपनी ऑफ बैंगलोर एजुकेशन एंड करियर काउंसलिंग कंपनी एंड उन्होंने वहाँ से सिर्फ माय एनर्जेटिक वॉइस एंड एंथुजियाज्म एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पे इंटरेस्ट ऑफ 10,000 रुपीस दिया तो मतलब सोच लो आप लोग अगर आपके पास कुछ भी नहीं है बस जुबान और बोलने आता है तो फिर कुछ भी खरीद सकते हो कुछ भी कर सकते हो हमारा ऐसा कभी ऐसा फील हुआ कि अब हम लोग को ये सब बंद कर देना चाहिए किसी स्टेज पे आके एब्सोल्युटली हमें ऐसा फील हुआ इंट्रा लेवल पे हमें ऐसा फील नहीं हुआ इंट्रा लेवल पे सब काम स्मूथ जा रहा था बट ड्यूरिंग इंट्रा लेवल एक ऐसा स्कूल आया था जहाँ पे डोंट नेम दैट स्कूल we don't want to matlab mute kar dena cut kar dena please don't we'll not be involving any of these schools particularly but ek aisa school aaya tha jahan pe bahut late hame list mila tha students ka ek din pehle and agle din event tha raat mein mila tha so it was not possible ki hum log jaate and list prepare you know it was not possible particularly computerized list basically ha wo prepare karna possible nahi tha how can one prepare that jab aapko 9:30 baje raat mein list mila जो हमें प्रिपेयर करना था क्योंकि हमें चैन नहीं मिलता था मतलब अगर त्रिभुवन या कोई भी संकरण सेकेंडरी या कोई भी ऐसा स्कूल रहता था देन दो दिन के बाद दूसरा स्कूल सो इट वॉज लाइक शेड्यूल इतना पैक था तो जब हम लोग वहाँ गए तो इट वॉज जस्ट अ सर्वाइवल मोड वहाँ पे ऐसा कोई आदमी नहीं था कोई वॉलंटियर नहीं था कोई हेड नहीं था कोई कोर कमेटी मेंबर नहीं था जिसे प्रिंसिपल ने नहीं डाला था मुझे जो She didn't scold me because I let had Let me a tell impression. you, no, no, let me tell you one thing. Me and Baba went to the principal's office. Okay, so by seeing me, she was like yelling at me. बहुत गंदे तरीके से she was yelling at me. And suddenly she started talking to Baba and he was like, पापा ऐसा नहीं होता है ना ये चीजें तो ऐसी होनी चाहिए ना सो दैट मूड चेंज ना लाइक तुम होते कौन हो ये करने वाले प्रॉब्लम वैभव को पेश करना रहता था कि ये भी सही है अब उनको मैं कैसे काटूं बिकॉज़ ये उनका पोजीशन ऑफ कोर्स दे आर हायर उस समय उनका हायर पोजीशन था हम लोग से बिकॉज़ वी आर जस्ट स्टार्टिंग आवर बिजनेस ऊपर से हमारे ग्रेजुएशन लेवल पे थे हम
थर्ड ईयर सबके माइंड में वो भी रहता था. सो एब्सोल्युटली एट दैट पर्टिकुलर टाइम इफ समबडी इज टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू यू, यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो बेसिकली ऑफ कोर्स वो उतार चढ़ाव आते हैं, वो आए हमारे इवेंट में. पहुंचे थे और हम लोग शाम के 6:30 में उस स्कूल से निकले थे और 6 से 6:30 हमने पानी तक नहीं पिया था. तो बहुत डिटेल में सब कुछ नहीं बताना, बट शी इज सो पेशेंटफुल, शी इज सो डैम पेशेंटफुल. एक्चुअली हुआ क्या था कि वो होता है ना वो राई का पहाड़ बनाना चीजों का. सो अगर आपका नाम आदित्य है तो समवन राइट्स ADITYA एंड सम पीपल राइट AA DITYA. सो ऐसा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया एंड उन्होंने फर्स्ट सर्टिफिकेट में ही पकड़ लिया दैट सम स्पेलिंग वन स्पेलिंग इज मिसिंग. सो बस उसके वजह से उन लोगों ने हमें सारे 500 सर्टिफिकेट वापस रीचेक करने दिए एंड आई वॉज लाइक इन टू टीयर्स. आई वॉज मैं बहुत जल्दी रोती हूँ और मैं रो ही रही थी बैठ के एंड शी वॉज लाइक शी केम मोनू शांत हो जाओ, शांति से बैठो, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं करती हूँ. शी स्टार्टेड डूइंग दैट एंड सी समबडी, वी ऑल हैव सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. मैम का है कि दीक्षिका मैम का है कि इट्स लाइक ठीक है अब हो गया तो कर लेना है, कर लेते हैं किसी तरीके से, मतलब मैनेज करना है. ठीक है, मैम इज लाइक कि शी बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड. ठीक है, बट शी आल्सो नोस काम करना जरूरी है तो वो करेगी, कैसे भी करेगी लेकिन करेगी. एवरी टाइम यू पॉइंट आउट माय नेगेटिव पॉइंट्स ओनली. तो कुछ लोग जो है ना वो पकड़ लेते हैं. ठीक है, व्हेन यू शो दैट मेनी एक्सप्रेशंस, अगर आपको कोई चीज बुरी लगी जरूरी नहीं कि वो सही टाइम नहीं हो सकता है कि आप वो चेहरे पे आप दिखाएं, बट मैम इज नॉट एबल टू कंट्रोल दैट. Very expressive and that's a very good thing, but not everywhere. So now with time she has learned. The problem with me is, or people say, मैं ये हर चीज़ हर जगह apply करता हूँ, कुछ नहीं, nothing, it shows nothing here. I'm getting angry, I am angry, I know that, everybody knows that, but it won't show here. Okay, and मुझे पता चल गया है कहाँ दिखाना ज़रूरी होता है. जब certificate का बात समझ में आया ना, I was like अपने दिमाग में मैंने murder कर दिया था 5 बार. किसका सामने बट मैंने अंदर ही अंदर जैसे ही वो हुआ ना मैंने मर्डर कर चुका करके बाहर निकल गया था. मैंने मैंने सजा भी काट ली, मैं बाहर भी निकल गया, मैं सेट हूं अपने लाइफ में. जब हमने सर्टिफिकेट फिर से लिखना स्टार्ट किया ना तो मैम तो रही थी अच्छा तुम बैठ जाओ. नो बट आफ्टर 5 मिनट्स और हमारा सर्टिफिकेट कम हो गया था तो अंशु सर को कॉल गया था कि सर प्लीज सर्टिफिकेट लेके आइए. आई थिंक उनको लाने में शायद चोट लग गया था क्या. एंड हां मैंने पूछा कहां हो तुम, तो बोलता है भाई हम आ रहे हैं. तो कितने देर में आओगे. अरे भाई मेरे हाथ में आया हुआ है, कहां से है, मेरा दिमाग खराब हो गया. नॉट ओनली दैट, वो स्कूल हमारे जहन में इसलिए है बिकॉज वहां पे कुछ भारी बहुत रो रो के एंड आई टोल्ड यू ना 12 घंटे वी वो भूखे. So hungry, angry, everything was in that sort of thing. So उसके बाद फिर वो स्कूल जब फिनिश हुआ then हमारे पास ज़्यादा स्कूल्स बाकी नहीं थे, फिर हमें youth fest पे फोकस करना था and youth fest was I don't know like this time everything is at a perfect place. Don't tell that because perfect time, but youth fest जो हमारा था youth fest जो हमारा था it was completely unplanned. Updates निकल गया हमारे तरफ से तो आप उस particular topic पर. Actually एक होता है ना कि we were in a very happy space in intra school. Okay, so मैं ये भी कहूंगी कि थोड़ी बचकानी हरकतें या फिर थोड़ा सा वो घमंड या फिर जोश हो जाता है ना कि जोश की अरे ये तो निकला तो वो तो यूज़ सम रैश डिसीजंस सम क्विक डिसीजंस व्हिच डिडंट रिजल्टेड इन आवर फेवर वर्क प्रॉपर्ली बेसिकली. सो फिर बारी आई हमारे यूथ फेस्ट की. हमने इंट्रा स्कूल बहुत अच्छे से कराया खट्टी मीठी यादों के साथ, बहुत सारी खट्टी मीठी यादें
तो वी वर इन अ हैप्पी स्पेस, हमारा टर्नओवर भी अच्छा हो गया था, सो हमारे पास एक अच्छा कैपिटल था इवेंट करने के लिए. उसके बाद जब हम लोग यूथ फेस्ट पे आए तो जब चीज़ें स्टार्ट हुई हमें नहीं पता था कि ये इतना गंदा हो जाएगा, हमें बिल्कुल नहीं पता था. लाइक मतलब अ टाइम केम व्हेन इट वाज लाइक कि you know what, I think हमें छोड़ देना चाहिए because the budget sheet was exceeding our budget, nothing was working in our favor, nothing, not a thing, and then also survival mode. Every day we motivate each other, like you know one thing, on 17th of November actually हमारा event था international school of management which is located in Khagod, बहुत अंदर है. So me and Deepshika in the morning हम लोग दोनों साथ में गए थे and the whole time while driving I was singing only one song, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब आज के दिन. तो आज के दिन, no आज के दिन, तो 17 पूरा निकला. उसके बाद रात में हम लोग वापस जा रहे थे, me and she was still together in our in one story, and I was she was driving and we were singing that song just to motivate us because बाहर से we were like okay everything is happening. ऐसे अगर लगता है कि बहुत आसानी से होता है, हम सोए नहीं थे 8 वीक से. 16 को रात में मतलब मैं और अंशु सर जग के वो कर रहे थे, लिस्ट बना रहे थे बच्चों का, सर भी जगे हुए थे, मैम भी जगी हुई थी कि कुछ कुछ कट ऑफ जो भी करना है जल्दी जल्दी करना है. 17 को गए, फिर 17 को वापस आके 18 का तैयारी के लिए फिर हमने नहीं सोया, फिर 18 के लिए कुछ खोना, कुछ ज्यादा ही खो दिया. तो हमने पाया तो बहुत ज्यादा नहीं खोया. हम स्पॉन्सर से जब भी बात करते हैं ना तो दो तरीके से करते हैं, एक होता है कैश में, एक होता है काइंड्स में. तो हमने कैश में कुछ नहीं पाया, हमने काइंड्स में बहुत सारा चीज पाया. हां एक्चुअली वो गुडविल होता है ना, हमें रिकॉग्निशन, गुडविल, एवरीथिंग, वो इस ईयर बहुत ज्यादा काम आया. जैसा कि हमने बताया तो पिछले साल इस वक्त काम आ रहा है, पिछले साल हमारा इवेंट जैसा मैंने बताया होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हो गए कामयाब, बट प्रॉफिट वॉज इक्विलिब्रियम नहीं हुआ अच्छे से. एंड उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा थे इवेंट्स के, पैसा family pressure and everything because people was expecting that. See, you'll be shocked to know कि सबके घर पे पता है कुछ ना कुछ वो लोग कर रहे हैं, ठीक है. मेरे घर पे अभी तक नहीं पता है, अभी भी नहीं पता. No, and he's a founder. And he's a founder. ये वीडियो घर तक नहीं पहुंचना चाहिए. मैं बता रही हूँ. अब जहाँ पहुंचे I don't care. अब तो हो जाएगा. So इस टाइम पे क्या हुआ? अभी घर पे means क्या है तो फिर? Everybody knows I'm doing internship. Internship? Yes, I'm doing an internship. एंड मेरा इंटर्नशिप चल रहा है, मेरा चल रहा है इंटर्नशिप, एंड मेरा इंटर्नशिप का काम कब खत्म हुआ, कॉलेज मेरा फिनिश हो चुका है, एवरीथिंग इज फिनिश, नाउ आई हैव टू परस्यू ऑन अनदर करियर, एंड बिफोर डूइंग दैट मुझे ये खत्म करना है. पिछले साल 18 नवंबर अभी चल रहा है एंड नोबडी इन माय होम नोज दैट. एक्चुअली व्हाट हैपेंड, आपने सुना ही वैभव सर कितने अच्छे सिंगर हैं, तो सर ने बहुत प्यारा सा अपना मैशअप तैयार करा था 18 को परफॉर्म करने के लिए, 18 नवंबर को. Everything was so planned, ये गाना वो गाना, वो परफॉर्म करने के लिए था, वो परफॉर्मेंस करने के लिए, नो नो बेसिकली परफॉर्मेंस करने के लिए. नो अब इंप्रेस की बात, अब इंप्रेस की बात ही नहीं आती ना. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया घर की मुर्गी दाल बराबर, अब इंप्रेस करने की बात ही नहीं आती है. सो इन्होंने बहुत प्यार से अपना सारा वो तैयार करा था, एंड दिमाग हमारा इतना खराब हो गया था कि 3 घंटे के लिए वैभव सर अंडरग्राउंड हो गए थे. वैभव कहाँ है, फोन बोल सब ऑफ, ऐसा तो नहीं लगा किडनैप हो गया, छोड़ छाड़ के भाग गया यही नहीं. वो तो जो जानते हैं किडनैप तो पता है ये जाएगा नहीं, ठीक है. And most importantly, it was like everybody knew one thing. Founder गायब, मतलब कल के पेपर में छपेगा. Everybody knew one thing कि I was upset. ठीक है, एंड मैं अपसेट था, एंड पूरा इवेंट जब प्रेशर में जब लोग आ जाते थे आई वॉज लाइक आइस कोल्ड, ठीक है, प्रेशर हैंडल कर लेता हूँ. जैसा इसने बोला ना कि इसका ये दिखाता नहीं है जनरली कि ये मैं प्रेशर हैंडल कर लेता हूँ, आई मोटिवेट माय सेल्फ. हमने 17 और 18 को देखा इसे पहली बार. हाँ, तो ऑन दैट पर्टिकुलर 2 डेज ऑफ द इवेंट मेरे चेहरे पे दिख रहा था, मेरे घर वालों को दिख रहा था, यू वोंट बिलीव, मुझे खुद फील हो रहा था कि मैं शो कर रहा हूँ प्रेशर. एंड ऑन 18th आई क्रैक not 3 hours but 2 hours के लिए I was in the auditorium and auditorium में उस time कोई नहीं था, दरवाजा मैंने बंद किया था. On 17 and 18 मैं आराम से बैठा हुआ. I think on 17 Anshu and Monica is right, on 18 वैभव मैंने हम चारों actually हो चुके थे तो वहाँ पे मतलब but वो किसी को पता नहीं चला. actually it was like बाहर से
जब ऐसा फील हो गया कि नहीं अब बंद कर लेना है सब चीज, फिर वहाँ से कैसे एक दूसरे को मोटिवेट किया कि नहीं यार अभी नहीं, अब तो इवेंट फिनिश हो गया एक्चुअली, अब 18 एक्चुअली प्रॉब्लम था कि हमारा इवेंट बहुत अच्छे से निकल गया, आफ्टर इफेक्ट जो मैंने बताया अब पैसा चुकाने की बात थी वो मैं नहीं बताना चाहूंगी बहुत डिटेल में, बट हो गया वो भी हमने बहुत अच्छे से, there were few hardships like I said it was optimum not maximized profit but it was optimum, जितना लगाया जितना प्रॉफिट था हमारा इंट्रा से सब निकल गया. सो दिस टाइम 18 नवंबर 2018 चला गया, हमारा इवेंट हो गया. सो दिस टाइम वापस मतलब कॉलेज डेज, मतलब वी वर लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप एंड व्हेनेवर पता नहीं वो हिंट मिल रहा था बार-बार हिंट मिल रहा था व्हेनेवर व्हेरेवर आई वेंट. नो एक्चुअली एवरीबॉडी टोल्ड हिम दैट दिस टाइम वी आर नॉट विद यू. अंशु वाज लाइक मैं नहीं हूं साथ में, दीपशिखा वाज लाइक मैं नहीं हूं साथ में, बट दीपशिखा अनफॉर्चूनेटली आई वुड लाइक टू मेंशन कि दिस ईयर वाज नॉट वेरी काइंड विद हर. इन मार्च दीपशिखा लॉस्ट हर ओन फादर. ओके सो इट वाज अ वेरी टफ ईयर फॉर अस and we were all there with her and we are here with her. So it was ab pata hai us time mere dimag mein bas khurafat aa raha tha ki humko kuch start karna hai. Jab ye hua na hum samajh gaye ab humko sahi mein kuch karna hai, nahi to isko pagal ho jayegi. Actually isse na mujh pe trust nahi tha ki main iske sath event sambhal dungi acche se kar lungi. Basically ek second basically iske kehne ka matlab yahi hai ki ise mujh pe yakeen nahi tha ki main iske sath event kar lungi acche se aur main iska help kar paungi. Isliye jab deepshika ke sath bahut bura hua to he was like ab event nahi hoga till that na. हाँ मैंने बोला था अब इवेंट नहीं होगा, बट दीपशिखा इन दैट पर्टिकुलर केस भी दीपशिखा का यही कहना था कि हम अभी नहीं रहेंगे, थोड़ा टाइम दो सब कुछ काम हमारी कर जाने दो, काम हमारी कर जाने दो. तो हाँ उसके बाद फिर एंड शेरनी थी, शेरनी है, शेरनी रहेगी, बट बीच में जो ये शेरनी थी ना ये बकरी बन गई, इसका दिमाग जो है वो इंजीनियरिंग कर रहा था लुधियाना से, उसका भी लास्ट ईयर था और मैंने जस्ट ग्रेजुएशन, आपको पता नहीं मैंने अपना लास्ट पेपर दिया था और मंडे को मेरे पापा एडमिट हो गए, सैटरडे को पेपर खत्म, लास्ट एंड मंडे जिस दिन इनके फादर एडमिट हुए थे उस दिन मैं और ये फ्रेंड्स डे आउट पे गए थे, हम लोग कैप्टन मार्वल देख रहे थे और इनको बीच में कॉल आ गया ये चली गई एंड आई वाज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस. Yes, she is suffering from jaundice. हम लोग गए थे जिसकी चलो चलो they were having their and मुझे कॉल आया मम्मी का, मतलब she is crying कि नहीं आओ ठीक है, तो मैं वहां से वहां चली गई. उसके बाद एक वीक पापा रहे एंड देन ऑन 16 मार्च देखना था, तो मैंने यही बोला था क्योंकि बेसिकली मेरा मानना है आप कोई चीज नहीं कर सकते हो तो आप सामने वाले को भरोसा मत दो उस चीज का, ये मेरा मानना है. तो मैंने वैभव से मतलब कह दिया था कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी फील्ड वर्क क्योंकि मैं नहीं कर सकती, मम्मी को छोड़ना वो अलग बात था और पापा का उतना काम करना था वो अलग बात. एंड आई वाज नॉट रेडी टू बिलीव दैट. ठीक है हम बोले तुम टाइम लो और हम अपने द प्रॉब्लम विद मी कि हमको एक बार मत जाता है किसी चीज़ का, हमको रखना है उस आदमी को, हमको रखना है तो इट बिकम्स लाइक दैट. सो हम हमको ऑब्सेशन था इसको हम अकेला ही नहीं छोड़ेंगे, एक महीने का टाइम लेना चाहिए, एक महीने का टाइम ले. उस एक महीने के टाइम में भी व्हाट वी यूज टू डू, हम दोनों क्या करते थे कि दो तीन दिन पे इसे कॉल करते थे, कॉन्फ्रेंस पे लगाते थे या पर्सनली कॉल करते थे और जितना काम हम लोग करते थे सब इसको बताते थे. नो एक्चुअली नॉट मी बिकॉज व्हेनेवर आई ट्राइड टू से एनीथिंग टू हर मैं सोचती थी कभी कुछ ऐसा बता दूं आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, उससे पहले ही यूज्ड टू टेल एवरीथिंग टू हर, तो मेरे को मौका ही नहीं मिलता था. इवन कुछ बातें ऐसी होती है जो मुझे नहीं पता होती और इसको पता होती है, तो ये मुझे नहीं बताता लेकिन इसको जरूर बताया. तो मैं बोल रहा था डायरी और पेन निकाल के रखो. सो बेसिकली इसके पास कोई नहीं था इवेंट में हेल्प करने के लिए तो ये मेरा हेल्प ले लिया, बट इसको चाहिए था. Nothing like that. गधे को भी भगवान बना दे वो वाला सीन हो गया. वो एक्चुअली बात यही थी कि समय पे गधे को भी बाप बना दे, तो बेसिकली एक गधी को ये बाप ही बना रहा था. See, all these things are joke and ठीक है, and jokes apart, I would like to really mention कि इस बार मैं अकेले था and the only person courageous enough, हिम्मत जिसके पास थी कि साथ में काम स्टार्ट करना है वो मोनिका थी. तो in terms of emotion, she is the bravest I know. In terms of work ethics, she is the bravest I know. Because एक time पे काम सुन के दीपशिखा भी पीछे हट गई थी, but काम सुन के इसने अपने कदम पीछे नहीं हटाए.
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई मेंशन. आपने तारीफ की बात की थी, आपकी तारीफ मैंने कर दी. वो आए और मेरे साथ काम स्टार्ट करे. बिकॉज इट वॉज टफ. सी इस बार पहले से ही सब चीज प्लान था, कंटेंट प्लान कर लिया. इस बार का जो इवेंट है आपका कहाँ है? इस बार का जो इवेंट है वो कहाँ है? इस बार का जो हमारा इवेंट है वो है सेंट कैरेंस सेकेंडरी स्कूल में 25th of August को. आज 20th of August है. चार दिन के बाद हमारा इवेंट आने वाला है. चार दिन के बाद हमारा इवेंट होने वाला है. We are very excited. इंटर स्कूल स्टेट यूनिवर्सल पैसिफिक 2.0 प्रेजेंट इंटर स्कूल इवेंट मेनिया इंटर स्कूल स्टेट चैंपियनशिप, जहाँ पे पटना के 20 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एंड क्रेव हर्मिट प्रोडक्शन इज आवर सोशल मीडिया पार्टनर. सो दैट्स व्हाई वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ पॉडकास्ट. ओके, सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, ऑल द स्पॉन्सर्स. क्रेव हर्मिट प्रोडक्शन भी मेरे ही एलुमनाई का है, मेरे भैया है. ठीक है, LNMI से वो भी पढ़े हैं एंड ही इज माई सीनियर 1 year. सो अचानक से भैया का भी मुझे कॉल आया कि बाबू वैभव. एंड पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट से फिर हुआ फेसबुक वगैरह पे. एंड अचानक से उनका कॉल आया कि हमारा ये है, मैं एलुमनाई है तुम्हारा, मैं सीनियर है तुम्हारा, एंड आई वांट टू ऑर्गेनाइज एन इंटरव्यू एंड पॉडकास्ट विद यू. सो ये सब चीज़ सुन के ये लगता है कि हम लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं. And people randomly call you and recognize you that actually, you are doing your work. Actually, when you put status that 25th of August is coming, how's the Josh? And each and every volunteer of your group, 190 volunteers, hi ma'am. Someone like, we are so much damn excited. Like, मन कर रहा है कहीं पे जाके bump फोड़ दे. 25 अगस्त कब आएगा? 25 अगस्त कब आएगा? बस मुझे रात भर नींद नहीं आ रही. So ये सारी चीजें motivation देती हैं. पहले ऐसा था कि मतलब जबरदस्ती नींद छिना रही थी, अब खुशी से नींद नहीं आ रही. हाँ, see इस बार उतना वहाँ से और यहाँ तक का सफर. जब हमने event किया था ना, कर रहे थे, तो हमारा था कि नहीं, अगर event को 100% देना तो हम 200% देंगे. नहीं सोना है, नहीं सोएंगे, काम करेंगे. हमारे साथ कुछ अच्छी चीजें ये भी है. अच्छी बात ना, मेरा और वैभव का जो स्कूटी और बाइक था जो खरीदाया था, वो मतलब घिस गया है. वो अलग हो गया है. और मेरा हम लोग का एक्सीडेंट सबको पता है, वो मेरे लिए बहुत अनलकी प्लेस है. मैं जब जब वहाँ पे गई हूँ वहाँ पे एक्सीडेंट्स हुए. सो बेसिकली इस बार इवेंट तो है हमारा, मेहनत आपने सब कुछ जानी है, बट हमारे वॉलंटियर्स दे आर रियल जेम. वो कुछ लोग इतने अच्छे हैं हमारे वॉलंटियर्स, हमारे हेड्स. उस हेड्स में बीइंग अ लीडर यू हैव टू मैनेज योर एल्डर्स, यू हैव टू मैनेज योर जूनियर्स. एट द सेम टाइम आपको बैलेंस बना के रखना है. कहीं क्लैशेस ना हो, क्योंकि यू आर अ लीडर, बट एट द सेम टाइम अगर कोई सीनियर आपसे बात कर रहा है, वो आपके अंडर है, ठीक है, उनको ये रियलाइज ना करवाना, बट फिर भी उनसे काम निकलवा लेना, दैट्स मैनेजमेंट. ये पहला ऐसा डेफिनेशन था जो मैंने पढ़ा था, जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ रियल लाइफ में, कि किसी से काम करवा ले. हमारी यूनिवर्सल पैसिफिक की टीम इतनी अच्छी है कि जहाँ पे जाते थे लोगों का बस यही होता था, हमें आपकी टीम दे दो, हमें आप चारों दे दो. So, it was like that, and हमें आप चारों दे दो. इसके पीछे का work volunteers करते हैं, क्योंकि I would like to thank all the heads, all the volunteers, all the seniors, all the juniors who are there to support me. हाँ, जितने भी लोग हैं. And इस बार planning the universal Pacific family. Yes, family. So the universal Pacific family. 25th of August is coming. Hope हमारी family वापस से इस बार rock करेगी और हमारा event इस बार बहुत grand होने वाला है. High sir, very high. जो सोशल मीडिया हैंडलर है ऋषभ ब्रो, काम पे लग जाओ भैया लोग को, शिकायत का मौका मत दो, एंड कोऑर्डिनेट करो. एंड प्लीज माय बेस्ट विशेस टू दिस चैनल, ये ग्रो करे, इसको लाख लोग सब्सक्राइब करे, करोड़ लोग इस पे कमेंट करें. And that's the only हमारी बातें पसंद आए ना आए, फिर भी लाइक जरूर करिएगा. प्यार बरसाते रहना है. प्लीज या बट इतना तो गारंटी, अगर आप देखोगे तो बातें बहुत पसंद आएगी और आप लाइक करोगे. जाते जाते छोटा सा सॉन्ग मैं कर देता हूँ हम लोग. बिल्कुल, अभी मैं वही कहने वाला था कि जाते जाते मैं हमेशा गाना गाने की कोशिश करती हूँ. बिकॉज यहाँ कोशिश करती हूँ, बट दिक्कत की बात ये है ना कि मैं नहीं गा रही, मैं
करी बिकॉज मैं जब भी गाना गाने की कोशिश करती हूँ ये मुझे इतना डिमोटिवेट करता है कि मैं मुझे लगता है मैं गड्ढा खोद के नीचे यार. देखो एक होता है सुर, ठीक है, एक होता है हल्का सा ऑफ होना और एक होता है पूरा ऑफ होना. एक मिनट, किसी का फीलिंग भी होता है यार, वो भी समझो. क्या सुर ऑफ बीट ये चलते रहते हो और सब पीपल जिनका सुर ताल नहीं बैठता था फिर भी लोगों को गवाते थे ये. और इसको पूरा लिरिक्स याद रहता है. मुझे मुझे सारे सॉन्ग्स के लिरिक्स सारे याद रहते हैं. तो कोई भी ज्वाइन कर रही हम होंगे कामयाब एक दिन. वेरी बैड, डोंट सिंग दिस सॉन्ग. अब तो कामयाब हो गए. नॉट रियली बिकॉज द ग्रैंड डे इज arriving and वो दिन पे सारी चीजें निर्भर करती है. सो अभी excited. और भी यहाँ पे जितने लोग देख रहे जो इन फेस को नहीं जानते वो लोग जरूर देखेंगे 25 अगस्त को सेंट कैरेंस में. दो थोड़ा सा फेस डल हो गया वो बोली मेकअप वी हैव मेकअप हम लोग मेकअप करके आने वाले हैं. हम लोग मेकअप पे ज्यादा भी करते हैं. आज मेकअप हो नहीं पाया. आज रियल फेस दे रहा है. आज आपने रियल फेस देखा है. दोबारा नहीं मिलेगा फिर कभी देखने के लिए अब क्योंकि इस पे मेकअप फेस रहेगा. सो गाना गाना जल्दी. ओके सिंग हवाए ना सिंग. आई डोंट नो द लिरिक्स सो टेल मी. रोने लगेगा तुम जाते जाते. कैसा स्टार्ट होता है वो. अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना तेरे जिक्र का सुबह. अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना. अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया हो पिया चन्ना मेरे आ मेरे